हेलो किडोज, आज हम करेंगे क्लास 4 मैथ्स ओलंपियाड की ये वर्कशीट, क्वेश्चन नंबर 51 ऑनवर्ड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 51, लुक एट द पिक्चर ऑफ द किचन गिवन बिलो। इफ द किचन इज डिवाइडेड इनटू यूनिट स्क्वायर्स, देन द आंसर द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो। ये हमको किचन की इमेज दी है और क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे पूछा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द किचन। पेरीमीटर बताना है। आप देखो यहाँ पे इसकी ब्रेथ दी हुई है 4 और लेंथ दी हुई है 5। तो अब इन सबको अगर हम प्लस कर दें 4 + 4 = 5 + 5, ये आ गई 18 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द एरिया ऑफ द किचन इन स्क्वायर यूनिट। अब हमसे एरिया पूछा है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमको दी हुई है 5, ब्रेथ दी हुई है 4, 5 × 4 = 20, 20 स्क्वायर यूनिट्स होगा इसका एरिया। क्वेश्चन नंबर 53, मैच द फॉलोइंग फिगर्स विद देयर पेरीमीटर। फिगर दी हुई है, पेरीमीटर दिया हुआ है और हमको सिर्फ मैच करना है। तो ए वाला देखो, हर साइड 2 सेंटीमीटर की दी है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, सारी साइड्स को प्लस करो ये आएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम मैच करेंगे 4 वाले से। बी में देखो, आमने सामने की साइड तो 4 दी हैं और ये वाली 1 दी है, इनको ऐड करो 4 + 4 = 8, 9, 10, इसका हुआ 10, इसको मैच कर दो 3 वाले से। सी वाले में इसकी साइड्स दी हैं 2, 3, 2, 1, 1, इन सबको ऐड करके आएगा 9 सेंटीमीटर और इसको मैच कर दो 2 वाले से। और डी में हमको साइड दी है 2, 2, 2, 2, 2, 6 बार दिया हुआ है, 2 × 6 = 12, इसका आ गया 12 सेंटीमीटर और इसको मैच कर दो 1, हमारा पैटर्न बना 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 54, मोंको इज डूइंग अ मैथ एक्टिविटी एट हिज होम। ही प्रिपेयर्ड अ चार्ट ऑफ अ शेप ऑफ अ स्क्वायर विद इट्स बाउंड्री एज 16 सेंटीमीटर गिवन बिलो। लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये हमको फिगर दी हुई है, 16 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे बोला है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए, इफ अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम द कॉर्नर देन द बाउंड्री विल रिमेन सेम। अभी वाले फिगर में अगर हम एक स्मॉल स्क्वायर कट ऑफ कर दें एक कॉर्नर में तो क्या इनकी बाउंड्री सेम रहेगी, ये पूछा है। अभी बाउंड्री आ रही है 16 सेंटीमीटर, 4 + 4 + 4 + 4, 16 सेंटीमीटर। अब नया फिगर बनाओ और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का एक कट लगा के स्मॉल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर हमें निकालना है, ये हुआ 4, ये हुआ 4 और ये रह गया, इसमें से 1 सेंटीमीटर कट गया तो ये बचा 3 और इसमें से भी 1 कट गया तो ये भी बचा 3 और ये छोटी छोटी लाइन दोनों 1 सेंटीमीटर की हैं। अब इसका पेरीमीटर निकालो, 4 + 4 + 3 + 1 + 3 + 1, अभी भी पेरीमीटर आया है 16 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर चेंज नहीं होगा अगर हम एक छोटा स्क्वायर कट करेंगे साइड में। तो ये तो हो गया ट्रू। स्टेटमेंट बी में पूछा है इफ अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम द कॉर्नर देन द बाउंड्री विल गेट इंक्रीज्ड। अभी हमने देखा ना, पहले 16 था, अभी भी 16 है, बाउंड्री इंक्रीज नहीं होगी, ये होगा फॉल्स। सी में बोला है कि बाउंड्री डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज भी नहीं होगी, ये भी होगा फॉल्स। एंड डी, ऑल द स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये भी है फॉल्स। तो ए ट्रू, बी सी डी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 55, इफ यू कट अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू द न्यू शेप एज गिवन बिलो देन व्हाट विल बी द न्यू बाउंड्री ऑफ द शेप। पहले वाली बाउंड्री का पेरीमीटर 16 था, अब नए वाले में बोल रहे हैं यहाँ पे ये एक 1 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर कट कर दिया तो अब इसका पेरीमीटर क्या होगा। देखो ये 4, ये 4, ये 4, ऊपर जो था 4 में से 1 कट कर दिया तो बाकी साइड तो 3 हो गई, लेकिन ये जो 3 है 1, 1, 1, ये तीनों 1 सेंटीमीटर की हो गई। अब इसका पेरीमीटर निकालने के लिए सबको ऐड कर दो, 4 + 4 + 4 + 3 + 1 + 1 + 1, ये आया 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 56, चिंकीज पजल सेज माय रेक्टेंगल हैज एन एरिया ऑफ 10 स्क्वायर्स इन अ क्लास एंड अ पेरीमीटर ऑफ 14 इंचेस। व्हाट इज द फिगर ऑफ चिंकीज रेक्टेंगल। तो हम पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, बोला है एरिया तो होगा 10 स्क्वायर और पेरीमीटर होगा 14। अब ए में देखो, ए में यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऊपर 6 नीचे, 12, तो यहाँ तो एरिया 12 आ रहा है, ये भी नहीं होने वाला। सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे एरिया 6 स्क्वायर यूनिट्स आएगा, ये भी नहीं होने वाला। डी, 1, 2, 3, 4 और 4, 8, तो इसका एरिया 8 होगा, ये भी नहीं है। बी वाला देखो, ऊपर है 5 और नीचे भी है 5, तो एरिया तो हो गया 10 स्क्वायर यूनिट्स, पेरीमीटर 5 तो ये हो गए, 5 ही हो गए और 1, 1, 1, 1, तो 10 + 2 + 2 = 14, तो ए पेरीमीटर आ गया 14 और एरिया आ गया 10 स्क्वायर यूनिट्स, तो इसका होगा ऑप्शन बी।
Question number 57. Monty's puzzle says, my rectangle has an area of 6 square centimeter and a perimeter of 10 centimeter. What is the figure of Monty's rectangle? अब यहाँ पे हमको मोंटी का रेक्टेंगल निकालना है जिसका एरिया होगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, पेरीमीटर होगा 10 सेंटीमीटर. ए वाला देखो, ऊपर दिए हुए 6, नीचे दिए हुए 6, तो इसका एरिया आ गया 6 + 6 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये तो नहीं है. बी देखो, ऊपर दिए हुए 5, नीचे दिए हुए 5 + 5 10, तो ये भी नहीं है. डी देखो, 4 और 4 8, तो ये भी नहीं है. सी देखो, यहाँ पे 3, नीचे भी 3, तो 3 + 3 ये हो गया 6. इसका एरिया आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स और इसका पेरीमीटर ऊपर 3, नीचे 3 और यहाँ पे 1 2 1 2. 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, पेरीमीटर 10 और एरिया 6. ऑप्शन सी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 58. पिंटूज पजल सेज माय रेक्टेंगल हैज एन एरिया ऑफ 25 स्क्वायर मीटर्स एंड इट्स पेरीमीटर हैज 20 मीटर्स. व्हाट इज द फिगर ऑफ पिंटूज रेक्टेंगल? अब पिंटू के रेक्टेंगल में एरिया बोला है 25 स्क्वायर मीटर और पेरीमीटर बोला है 20 मीटर. ऑप्शन बी देखो, ऊपर यहाँ पे हैं 6 और ऐसे भी हैं 6, 6 × 36, इसका एरिया आएगा 36 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये तो नहीं है. डी देखो, ऊपर दिए हुए 3 और ऐसे दिए हुए 3, 3 × 3 = 9, तो इसका आ गया 9 स्क्वायर मीटर्स, ये भी नहीं है. सी, ऊपर दिए हुए 4 और यहाँ भी हैं 4, 4 × 4 = 16, 16 स्क्वायर यूनिट्स एरिया, ये भी नहीं है. ए, ऊपर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और ऐसे भी दिए हुए 5, तो 5 × 5, इसका एरिया आ गया 25 स्क्वायर मीटर्स. अब पेरीमीटर देखते हैं, हर साइड 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और चारों 5 को प्लस करके पेरीमीटर आ गया 20, तो ऑप्शन ए इज दिया. क्वेश्चन नंबर 59. बिट्टूज पजल सेज माय रेक्टेंगल हैज एन एरिया ऑफ 16 स्क्वायर इंचेस एंड पेरीमीटर ऑफ 16 इंचेस. व्हाट इज द फिगर ऑफ बिट्टूज रेक्टेंगल? बिट्टू के उसमें एरिया बोला है 16 स्क्वायर इंचेस, पेरीमीटर भी बोला है 16, तो बिट्टू का रेक्टेंगल कौन सा होगा? दोनों 16 है इधर. ए में देखो, यहाँ पे 6 दिए हुए हैं और ऐसे भी 6 दिए हुए हैं, तो इसका एरिया हो गया 6 × 36 स्क्वायर इंचेस, ये वाला तो नहीं है. बी में 5 दिए हुए हैं और ये भी 5 है, 5 × 5 = 25 स्क्वायर इंचेस, ये भी नहीं है. सी में ये 3 है, ये 3 है, 3 × 3 = 9, 9 स्क्वायर इंचेस, ये भी नहीं है. डी में यहाँ देखो 4 दिए हुए हैं और यहाँ भी 4 दिए हुए हैं बॉक्सेस, तो 4 × 4 = 16 स्क्वायर इंचेस हो गया इसका एरिया. पेरीमीटर के लिए देखो, इसकी सारी साइड में ना 4 4 4 4 स्क्वायर आ रहे हैं, तो 4 + 4 + 4 + 4 16 इंचेस हो गया इसका पेरीमीटर, तो इसका होगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 60. टिंकूज पजल सेज माई रेक्टेंगल हैज एन एरिया ऑफ 15 स्क्वायर फीट एंड पेरीमीटर ऑफ 16 फीट. व्हाट इज द फिगर ऑफ टिंकूज रेक्टेंगल? और ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओगे आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 61 ऑनवर्ड्स अगले वीडियो में, और अगले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय बाय.